डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में आज आप अध्ययन करेंगे क्लास 8 संस्कृत के अंतर्गत आपका निर्धारित चैप्टर है अध्याय 9 महर्षि पाणिनी। देखिए यहाँ महर्षि पाणिनी के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि किस प्रकार से महर्षि पाणिनी एक सामान्य से बालक थे, किंतु उनके गुरु वर्ष ने जब उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया तो किस तरीके से महर्षि पाणिनी के अंदर परिवर्तन हुआ। भले ही उनका जन्म सलातुर ग्राम में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अपने गुरु के अधीन शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए महर्षि पाणिनी आज संस्कृत में विख्यात हो गए हैं। तो महर्षि पाणिनी से संबंधित यह आपका चैप्टर है। आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं संस्कृत से हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भावार सहित व्याख्या करते हुए आपको अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 9 महर्षि पाणिनी। संस्कृत भाषा या व्याकरण शास्त्रे पाणिनि महान व्याकरण अभवत। संस्कृत भाषा के व्याकरण शास्त्र में पाणिनि महान व्याकरण हुए हैं। अस्य पितुर्नामा पाणिनः, मातुस नाम दक्षी आसीत। इनके पिता का नाम पाणिनि और माता का नाम दक्षी था। तस्मादेव दक्षी पुत्र पाणिनि कथ्यते, इसीलिए दक्षी पुत्र पाणिनि कहे जाते हैं। जो महर्षि पाणिनि थे इन्हें इसीलिए दक्षी पुत्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र से रचयिता पिंगल पाणिनि अनुज आसीत। छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल पाणिनि के छोटे भाई थे, अतः छंद शास्त्रम पिंगल शास्त्रम इत्युच्यते। इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है। पाणिनि ऋवृष्टाब्दात् पंचशत वर्ष पूर्वम, अर्थात 500 ईस्वी पूर्व अजायत इनका जन्म हुआ था। ईसा से 500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था पाणिनि का। तस्य जन्म सलातुर ग्रामे अभवत। इनका जन्म सलापुर गांव में हुआ था। तस्मात् अयम सलातुरीय अपि उच्यते, इसलिए इनको सलातुरी भी कहते हैं। सलातुर ग्रामस्यैव नाम संप्रति लाहौर इति जातम्। सलातुर गांव ही वर्तमान में लाहौर हुआ था। पाणिनि पूर्वम जड़ आसीत्। पाणिनि पहले अल्प ज्ञानी थे। तस्य गुरुर्नाम वर्ष आसीत्। इनके गुरु का नाम वर्ष था। एतद् विषये कथा सरित सागरे उक्तम्। इस विषय में कथा सरित सागर में कहा है। अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानुभूत तत्रैक पाणिनि नाम जड़बुद्धि यत्रो भवत। कहते हैं इस समय वर्ष के शिष्य वर्ग महान हुए हैं, उन्हीं में पाणिनि नाम का एक अल्पज्ञानी शिष्य अति बुद्धिमान हुआ। गुरु वर्षस्य उपदेशेन भगवतो महेश्वरस्य प्रसन्नताये विद्या काम पाणिनि कठोरम तपः अकरोत्। एन महेश्वर प्रसन्न जाता, सह नित्यं चतुर्दश वारं डमरु अवादयत् तदुक्तम्। गुरु वर्षस्य उपदेशेन उनके उपदेश से भगवतो महेश्वरस्य भगवान महेश्वर अर्थात शंकर जी को प्रसन्नताए प्रसन्न करने के लिए विद्या काम विद्या की इच्छा रखने वाले पाणिनि ने कठोरम तपह अकरोत। कठोर तप किया था। एन महेश्वर प्रसन्न जाता, जिससे महेश्वर अर्थात भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। सह नित्यं चतुर्दश वारं डमरु अवादयत्। उन्होंने नृत्य करते हुए 14 बार डमरु बजाया, उसके विषय में कहा गया है। तदुक्तम इसलिए कहा गया है। नित्यावसाने नटराज राजो न नाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकाम संकादि सिद्धधान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात
नटराज के स्वामी राजा शिव ने डमरू को 9 बार बजाया, अर्थात जो 14 बार बजाया गया है उसमें 9 और 5 ये अलग अलग इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है ननाद ढक्काम 9 पंचवारम, 9 बार पहले बजाया था और उसके बाद जो है सिद्धि के पश्चात 5 बार डमरू को बजाया। सनकाद आदि व्याकरण विमर्श के लिए शिव ने डमरू की ध्वनि को जाल के समान मानते हुए 14 सूत्रों की रचना की थी, ये 9 और 5 मिलाकर 14 सूत्रों की रचना होती है। जो आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है तो वो उस माहेश्वर सूत्र की रचना शिव के आह्वान से ही माना जाता है, तो इस प्रकार से ऐसा इसे समझ सकते हैं। 3 डमरूनादेन स चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि प्राप्तवान, उस डमरू की आवाज़ से उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए। एतानि सूत्राणि आश्रित्य पाणिनि अष्टाध्यायी नामकम संस्कृत व्याकरणस्य प्रसिद्धम ग्रंथम अरचयत, इन सूत्रों का सहारा लेकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तस्मिन् ग्रंथे अष्ट अध्याया, उस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, तेषु प्रायः चतुःसहस्रमितानि सूत्राणि सन्ति, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। असो महर्षि जाम्बवती विजयम इति रचितवान, इसी महर्षि ने जाम्बवती विजय की रचना की। तस्य केचन श्लोका पुस्तकेषु उद्धृताः सन्ति, इसके कुछ श्लोक पुस्तक में उपलब्ध हैं। तपोवनि शिष्यान् अध्यापयो तस्य वार्धक्यम जातम एकदा तस्य सह तपोलीनः आसीत्, तपोवन में शिष्यों को पढ़ाते हुए जब वे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्हें एक समय ऐसा भी आया जब बुढ़ापा आ जाता है और वे एक दिन अपने तप में लीन हो जाते हैं। तब तदानिमेकम क्रुद्ध व्याघ्रम भक्षितवान, उसी समय एक क्रोधित बाघ ने उन्हें खा लिया। वो बाघ आता है, क्रोधित रहता है और पाणिनि को खा जाता है, पाणिनि को खा लेता है महर्षि को। तेन स पंचतत्वम गतः, और वे पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। तदुक्तम पंचतत्व, तब पंचतत्व में कहा गया है, पंचतत्व एक कहानी है उसमें कहा गया है, सिंहो व्याकरण से कर्तुर प्राणान प्रियान पाणिनि, अर्थात व्याकरण को लिखने वाले पाणिनि की प्रिय प्राणों को सिंह ने हरण कर लिया, उसे समाप्त कर दिया, उन्हें खा लिया। तो इस प्रकार से यह आपकी कहानी महर्षि पाणिनि समाप्त होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।